हाय, वेलकम टू शो स्पेक्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मुंबई में एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था स्टार इंडियन आइकन अवार्ड। ये इवेंट हुआ था मुक्ति कल्चर ऑडिटोरियम मुंबई में। तो इस इवेंट में बॉलीवुड की बहुत सारी सेलिब्रिटी शामिल हुई थी, तो वहीं पर हमारे साथ जुड़ी थी नेहा दास। तो नेहा दास को स्टार इंडियन आइकन अवार्ड की तरफ से बेस्ट डाइटिशियन का अवार्ड दिया गया है। तो नेहा दास मुंबई में एक डाइटिशियन की पोजीशन पर हैं, वो एक डाइटिशियन का काम करती है। डाइटिशियन आप सबको पता है कि हमारा खान पान इतना बुरा हो चुका है, हम लोग काम करते हैं, हमें कब क्या खाना चाहिए, क्या हमारी बॉडी के लिए नीड है, किस चीज़ में न्यूट्रिशन मिलता है, किस चीज़ में नहीं मिलता है। तो नेहा दास उन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ लें, आपके फेस पर स्माइल आए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं तो आपकी हेल्थ ठीक रहती है, अगर आपकी हेल्थ ठीक रहती है तो आपके फेस पर स्माइल आती है। तो आप देख लीजिए कि नेहा दास एक तरीके से आपके फेस पे स्माइल लाते हैं, क्योंकि एक बेस्ट डाइटिशियन ही आपको बता सकता है कि आपको कब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कई बार हमें बीमारी भी होती है और हमें नहीं पता होता कि इस बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसीलिए भी हमें बेस्ट डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो हमें बता देता है कि अगर आपको ये बीमारी है तो आप ये ना खाएं और ये खाएं, और अगर जो भी चीज़ कितनी खानी है उसकी क्वांटिटी तक वो बता देती हैं, क्योंकि वो अपने पेशेंट को ही इतना प्यार देते हैं कि उनकी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ उनको कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से उन्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में भी, तो वो हर चीज़ का उन्हें बता देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे भी स्माइल रहे या आप एक हेल्दी लाइफ जिए, तो आप एक बेस्ट डाइटिशियन के पास ज़रूर जाएं। तो नेहा दास को हम उनके आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो ऐसी काम करती रहे, लोगों की हेल्प करती रहे और लोगों के फेस पे स्माइल भी लाती रहें। थैंक यू।